हे गाइस, तो मैं आज आपको इस प्लांट की जानकारी देने वाली हूँ जिससे आप अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। इसका नाम है डेविल्स बैकबोन एंड आल्सो नाउन इसे करते हैं जिगजैग प्लांट एंड रेड वर्ड फ्लावर। बॉटनिकल नेम है इसका इयोफोर्बिया टिथीमेलोडिस। इसकी नेम स्टोरी तो कुछ ऐसी है कि द प्लांट इज़ नेटिव फ्रॉम साउथर्न फ्लोरिडा एंड द कोरोविन टू वेंजुला। इयोफोर्बिया टिथीमेलोडिस इज कॉमनली कॉल्ड द डेविल्स बैकबोन इन रेफरेंस टू इट्स जिगजैग स्टेम्स दैट प्रोपेटेडली रिसेम्बल अ स्पाइनल कॉलम। इसीलिए इसका नाम शायद डेविल्स बैकबोन रखा एंड जिगजैग प्लांट रखा। सिम्बोलिज्म है परसिस्टेंस की अनुभूति है हमें करवाता है। एंड टिप्स फॉर गार्डन कोचेस के लिए, कॉमनली कॉल्ड स्पर्स, इयोफोर्बिया इज़ अ वेरी डाइवर्स जीनस ऑफ प्लांट्स दैट हैज़ यूनिक इन्फ्लोरेसेंसेस, लॉन्ग ब्लूमिंग पीरियड, ईजी मेंटेनेंस। कंडीशन रिक्वायरमेंट इसकी है ग्रोइंग डेविल्स बैकबोन इज ईजी एज लॉन्ग एज यू कैन गिव देम व्हाट दे नीड। दे आर सेंसिटिव टू सर्टेन टाइप्स ऑफ पेस्ट एंड डिसीज। सनलाइट इसे चाहिए रहती है फुल सन से पार्शियल सन तक। एंड गार्डन यूज डेविल्स बैकबोन इज मोस्टली कॉमनली यूज एज अ बॉर्डर प्लांट और एज अ हैज। इट कैन ऑल्सो डू वेल इन कंटेनर्स या पॉट में या कुछ में भी हम लगा सकते हैं। ये प्लांट दिखने में भी बहुत सुंदर होता है। एंड ये पिंक, ये वैसे ग्रीन रहती है लेकिन ये अभी पिंक हो गई धूप में रखने के कारण। इसे हम बॉर्डर प्लांट भी कहते हैं। बॉर्डर में हम उनके गार्डन को सजाने के लिए लगा सकते हैं।